और देश के लीडरशिप के लिए भी आज से निर्णय होना शुरू हो रहा है। एक वोट में वो ताकत है कि उसी से कोई प्रधानमंत्री बन भी सकता है और हट भी सकता है। वाजपेयी जी एक ही वोट से हारे थे संसद में। ये कहते हैं ना, संख्या नंबर्स का बड़ा खेल होता है। तो आज हम पूरे पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से आह्वान करते हैं कि आज से लेकर के और फिर अगले महीने तक जब जब जहां जहां वोटिंग हो सब लोग निकल करके वोट करने जरूर जाएंगे। ये बहुत जरूरी है देश के लिए। किसके लिए जरूरी है? देश के लिए। यदि अच्छे लोग वोट नहीं करेंगे तो भ्रष्ट बेईमान चोर लुटेरे वो हम पर राज करेंगे। वेद का एक मंत्र है मेरे साथ, बोलो, मा वह स्तेना ईशता ईशता। ये यजुर्वेद का मंत्र है। ओम ईशित्वोर्जित्वा वायवस्थदेवो वह सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्याय ध्वमग्न्या इंद्राय भागं प्रजावति रनमीव अयक्ष्मा मावस्तेन ईशत माघसंसु ध्रुवास्मिन् गोपतं स्यादवव्यजमानस्य पशून् पाहि। मावस्तेन ईशत। हम पर चोर बेईमानों का बुरे लोगों का राज नहीं होना चाहिए। ये वेद की आज्ञा है। तो जो वेद मार्गी हैं, ऋषियों को अपना आदर्श मानते हैं, भगवान की वाणी पर, वेद वाणी पर विश्वास रखते हैं, उनको वोट करने जरूर जाना चाहिए। जो वोट करने नहीं जाएगा इसका मतलब वो वेद का अपमान करता है, वो भगवान का अपमान करता है, भगवान की वाणी का अपमान करता है। अब ये बात छोटी सी है वोट करना, लेकिन इसी से देश का नेतृत्व तय होता है। सीधे बैठो, आपको ये राजनीति का तत्व, नेतृत्व का, राज माने लीडरशिप। सीधे बैठो, अनुलोम विलोम करना। अब इसके बारे में तो और भी आपको संदेश देंगे। आज मैं खुद भी वोट करने जाऊंगा, आपको तो यहां पढ़ा रहे हैं। आपका तो अभी 18 साल तक तो आप वोट नहीं कर सकते, उसका एक टाइम पीरियड होता है, हर चीज का एक समय होता है। तो उसके लिए विवेक चाहिए, इसलिए 18 साल की उम्र उसके लिए तय की है।